दातारामगढ़ कस्बे के सरकारी स्कूल में खेल मैदान में बुधवार को 10 दिवसीय GPL क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन उपखंड अधिकारी राजेश मीणा, तहसीलदार विपुल चौधरी, SHO हिम्मत सिंह एवं समाज सेवी राजेंद्र धीरजपुरा ने किया। इस दौरान SDM राजेश मीणा ने SHO हिम्मत सिंह की पहली बॉल पर शॉट मारा। तहसीलदार विपुल चौधरी एवं SHO हिम्मत सिंह ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए मैच का उद्घाटन किया। प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच नावा एवं रेवासा टीम के मध्य खेला गया। आयोजनकर्ता ने बताया कि 10 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता में राज्य के विभिन्न जिलों की कुल 50 टीमें हिस्सा लेंगी और विजेता टीम को 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार एवं ट्रॉफी दी जाएगी, तो वहीं उपविजेता टीम को 15,000 रुपए का नगद एवं ट्रॉफी दी जाएगी। इस दौरान काफी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं खेल प्रेमी मौजूद रहेंगे।